हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उमेश कुमार, आप देख रहे हैं रियांश टेक। रियांश टेक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोई टेक वीडियो नहीं बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको यहाँ रामगढ़ के एक राजागढ़ है जो आप इधर देख सकते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बताऊंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ के बारे में क्या मान्यता है। जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो के जरिए घर बैठे ही यहाँ के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं चढ़ रहा हूँ धीरे धीरे ऊपर। यहाँ कुछ ऊंचाइयाँ हैं, आपको भी इसी तरह चढ़ना पड़ेगा। यदि आप यहाँ आइएगा तो सकते हैं चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। यहाँ कुछ साल पहले ही पेड़ लगाए गए काफी मात्रा में, जिसके चलते ये और भी घना हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैंने आधी दूरी लगभग तय कर ली है और आधी दूरी बची हुई है। तो देखिए, यहाँ कुछ सीढ़ियाँ हैं तो इसे चढ़ना पड़ेगा। काफी बड़ी बड़ी है, इससे मुझे काफी थकावट हो गई है, बोलने में भी परेशानी हो रही है, सांस फूल रहा है। तो थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा कुछ काम के लिए, दर्शन करने के लिए आपको। यहाँ घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं ऊपर में। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ नज़ारा कैसा है। मैं कैमरा घुमा के आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे, आप देख सकते हैं कैमरा में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं ऊपर में। यही है राजागढ़ का मंदिर, मैं आपको अंदर जाके भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस मंदिर के बारे में काफ़ी मान्यता है, लोगों में काफ़ी श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति। यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो सारी यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ का लोकेशन किस तरह है। चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे, आप देख सकते हैं कैमरा में, चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ से आप रामगढ़ का भी नज़ारा देख सकते हैं। आप उधर देख सकते हैं कि यहाँ से आपको रामगढ़ का भी दिखेगा, पूरा तो नहीं दिखेगा लेकिन ये कुछ जरूर दिखेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ इतने सारे पेड़ हैं कि कैमरा में शूट नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ से रामगढ़ का लोकेशन दिखता है। यहाँ एक कॉलेज भी है, रिपब्लिक कॉलेज, यहाँ से तो नहीं दिखेगा शायद, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये इतने सारे पेड़ हैं कि यहाँ से ये कट जा रहा है। ये रिपब्लिक कॉलेज है, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो जान ले, ये रिपब्लिक कॉलेज है यहाँ का। तो फ्रेंड्स, आप पीछे तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह, तो आप पीछे तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, वो दामोदर नदी गया है जो शायद यहाँ से दिखता होगा या नहीं, क्योंकि ये बहुत थोड़ा दूर हो जा रहा है। और वहाँ देख सकते हैं कि एक पानी सप्लाई वाला टंकी बना हुआ है, जो वहाँ एक चेक डैम भी है जो नदी का पानी को रोका गया है ये सप्लाई के लिए। चारों तरफ कुछ वैसा नहीं है, पेड़ ही पेड़ है। और फ्रेंड्स, यहाँ आपको कई प्रकार की दीवारें भी मिल जाएगी, जो यहाँ आपको कई प्रकार की दीवारें मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पहले राजा का महल था। तो दीवारें तो फिलहाल वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि चारों तरफ पेड़ और घास इतने हो गए हैं कि मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ कुछ दीवारें अभी भी बची हुई है। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको उस और गुफा की ओर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी भी वो महल का दीवार जो है काफ़ी मोटा मोटा अभी भी बचा हुआ है। तो इधर भी आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये दीवारें जो पहले महल थी, तो कुछ बची हुई है, आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह है। यहाँ एक तालाब भी है जिसे हाल फिलहाल में ही सुंदरीकरण किया गया है और एक पुल बना दिया गया है जो इस बस्ती को उस बस्ती से जोड़ देता है। तो चलिए मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कि यह पुल किस तरह बना है। Till I get up, time is barely on our side.